हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कश्मीर। आई थिंक लेकर के मैं फिर से हाजिर हूँ और लर्निंग की सीरीज़ में जो आज का टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, इन 1999 में जब मैं अपनी प्रोफेशनल डिग्री कर रहा था तो प्रोफेसर्स के द्वारा जो मुझे लेक्चर्स दिए गए थे, आप ये समझिए कि वही लेक्चर्स जो हैं सेम टू सेम हूबहू मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। और ये जो लेक्चर था ये पूरी तरह से डिसिप्लिन के ऊपर हमको दिया गया था। तो जैसे आपको पता चल ही गया होगा आज मैं डिसिप्लिन के ऊपर बात कर रहा हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। मैंने किसी जगह से भी कॉपी नहीं किया, इसको किसी भी जगह से चुराया नहीं है। आपके सामने ऐसे ही लेक्चर पेश करने जा रहा हूँ जैसे कि मुझे प्रोफेसर्स, मेरे टीचर्स ने मुझे गाइड किया था, बताया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, डिसिप्लिन। जैसे कि हम सब जानते हैं दोस्तों, हमारे घर, हमारे स्कूल, हमारी सोसाइटी, हमारे समाज, हमारे देश और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आज कोई भी काम डिसिप्लिन से नहीं हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर काम गलत हो रहा है, बहुत कुछ डिसिप्लिन में होता है, हो भी रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा काम होने वाला है या नहीं हो रहा है। तो आज मैं सुबह बैठा था तो इसी बात को सोच रहा था कि एक्चुअली डिसिप्लिन फॉलो क्यों नहीं किया जा रहा। तो मैंने सोचा कि लर्निंग की सीरीज़ में मैं एजुकेशन के ऊपर तो डिसिप्लिन को लेके आऊँगा ही, क्यों ना पहले मैं डिसिप्लिन के बारे में आपसे बात करूँ और आपसे अपनी राय साझी करूँ कि एक्चुअली डिसिप्लिन होता क्या है। तो दोस्तों, मैं कुछ उदाहरणें पेश करना चाहूँगा, कुछ एग्जांपल्स आपको देना चाहूँगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली में डिसिप्लिन होता क्या है। फिर उसके बाद कुछ रूल्स होते हैं जो डिसिप्लिन को फॉलो करने पड़ते हैं, जो बताते हैं कि डिसिप्लिन इनकी बेस है, नींव है इनकी। तो उन रूल्स के बारे में भी बात करूँगा, लेकिन चलिए सबसे पहले आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ कि डिसिप्लिन होता क्या है। दोस्तों, सबसे पहले हमारे लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वो खाना होता है। आप खाने की टेबल पे बैठते हैं, आज ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, तो आपने देखा होगा खाने की पूरी सिस्टमेटिक, पूरा पूरा सिस्टमेटिक वे होता है। आप सबसे पहले बाइट को तोड़ते हो या जो भी खाना खा रहे हो चम्मच में ले रहे हो उसको, फिर उसको अपने मुँह में डालते हो, फिर चबाते हो, खाते हो, फिर दूसरी बाइट की ओर बढ़ते हो। आप ऐसा नहीं करते कि पहली बाइट आपने मुँह में डाली हुई है और फटाफट से आपने सारे का सारा खाना दो हाथों में लिया और मुंह में अपने डाल लिया और एकदम से ख़त्म कर लिया। दूसरी उदाहरण में आपको देना चाहूँगा, आप खड़े हो और आपको कहा जाए कि आप एक टांग पे खड़े हो जाओ। आप खड़े हो जाओगे, फिर आपको कहा जाए कि आपने जो टांग ऊपर उठाई हुई है उस टांग को आपने नीचे नहीं रखना है, आपने दूसरी टांग को उठाना है। क्या ये पॉसिबल होगा? नहीं होगा। तो अगर आप ऐसा करना चाहेंगे तो आप गिर जाओगे, आपको चोट आ सकती है। ये एक डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन क्या है? ये आपको पहली टांग नीचे रखनी पड़ेगी, जो ऊपर आपकी टांग है फिर आप उसको नीचे रखोगे और दूसरी टांग ऊपर लेके जाओगे। तीसरी उदाहरण ले लेते हैं, आप कोई भी गेम खेलते हो, कोई भी खिलाड़ी जो है कोई गेम खेलता है, मान लो फुटबॉल है, क्रिकेट है, कोई भी बेसबॉल, कोई भी गेम खेलता है, तो आपको पता होगा, मान लो एग्जांपल लेते हैं फुटबॉल की, फुटबॉल के एक सेट रूल और नियम बनाए हुए होते हैं कि कौन सा फाउल है, बैक फुट पे कौन खेलेगा, फुल बैक कौन खेलेगा, गोलकीपर कैसे काम करेगा, ठीक है ना। तो कैरी ओवर्स की क्या रूल्स हैं, ये सारे के सारे रूल्स फॉलो होते हैं। अगर मान लो एक रूल भी तोड़ा जाता है तो रेफरी द्वारा कार्ड दिखा दिए जाते हैं, रेड दिखा दिया जाता है, तो ऐसे बहुत सारे कार्ड्स को बारी बारी दिखा दिए जाते हैं जैसा वो उसने गलती की हो, रूल तोड़ा हो। तो क्या आप जानते हैं ये क्यों होता है? ये एक डिसिप्लिन फॉलो ना करने की वजह से होता है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर लेते हैं, आप कोई जॉब करते हो, आप कहीं काम पर जा रहे हो, आपका पूरा स्केड्यूल है। स्केड्यूल क्या है आपका? कि आपने सुबह 9 बजे ऑफिस पहुँचना है, ठीक है जी, अपना काम करना है, काम करके आपको ब्रेक मिलेगी, ब्रेक मिलने के बाद फिर आपको काम करना है,
कुछ सेट ऑफ नॉर्म्स हैं उस ऑफिस के, उस काम के आपको फॉलो करने हैं। फॉलो करने के बाद आपने क्या करना है, जब 5 बजे 4 बजे जितने बजे आपका ऑफिस क्लोज होता है, आपको छुट्टी करके घर को आना है। उसी वे से जैसे आप गए हो उसी वे से घर आना है। घर आके घर के नॉर्म्स जो है फॉलो करने हैं। अगर सपोज करो आपकी बाइक ख़राब हो जाती है, आपका जो कन्वीनियंस आप जिस पे जाते हो वो काम नहीं करती, ख़राब हो जाती है, आप टाइम लेट हो जाते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ सुनना पड़ता है बॉस से। क्यों सुनना पड़ता है? क्योंकि बेशक गलती आपकी नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने रूल को तोड़ा क्योंकि आप टाइम पे नहीं पहुंच सके। तो ये कुछ मैंने एग्जांपल दिए हैं। अब इन एग्जांपल्स को मैं प्रैक्टिकल में आपके साथ जो रूल्स हैं इनके वो बताने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअली डिसिप्लिन होता क्या है और कौन कौन से रूल्स हैं जिससे डिसिप्लिन जो है वो निर्धारित होता है और वो डिसिप्लिन कहलाता है। तो चलिए बारी बारी से शुरू करते हैं। पहला रूल डिसिप्लिन का क्या होता है कि डिसिप्लिन तभी बन पाएगा, डिसिप्लिन नेम का जो शब्द है, जो वर्ड है, उसकी एग्जिस्टेंस जो है, उसकी होन जो है, उसकी प्रेजेंस जो है, इस बात पे डिपेंड करती है कि उसको जो है स्टेप बाय स्टेप टाइम एलोकेशन दिया जाता है। डिसिप्लिन एक वर्ड है जो इसलिए बना है कि उसको ये रूल फॉलो करने पड़ेंगे। डिसिप्लिन एक्चुअल में है क्या, इन रूल के बेस पे आप आउटपुट निकाल लोगे, उसका निष्कर्ष निकाल लोगे। पहला मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप टाइम एलोकेशन होती है, टाइम जो है वो दिया जाता है। किस का कोई भी काम अगर आपको करना है तो उसमें टाइम निर्धारित होगा। अगर टाइम निर्धारित नहीं होगा, फिक्स नहीं होगा, तो वो काम लेट भी हो सकता है और अपनी काम जो काम है, अपनी होन जो है, एग्जिस्टेंस जो है, गवा सकता है। तो डिसिप्लिन का पहला नियम ये होता है वो स्टेप बाय स्टेप टाइम एलोकेशन होता है, टाइम दिया गया होता है कोई भी काम करने के लिए। तो दूसरा है कि टाइम तो दे दिया, लेकिन आपने क्या है उस टाइम को ग्रैब करना है, उस टाइम को जो है सिचुएशन को, उस टाइम को क्या है ग्रैब करना है, पकड़ना है, पूरा करना है उस टाइम को, उस इवेंट को जो भी आपको दी गई है, जो भी काम दिया गया है, जो भी आपको प्रोजेक्ट दिया गया है, जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी इवेंट है, उसको आपने ग्रैब करना है उस टाइम एलोकेशन में जो आपको टाइम दिया गया है। ये दूसरा स्टेप है। डिसिप्लिन का तीसरा जो बेस है वो ये है कि आपको टाइम भी दे दिया गया, आपने उसको ग्रैब भी करना है, अपने दिमाग में रखा है, लेकिन आप उसको वेट का जो इंतज़ार का जो मोमेंट है, इंतज़ार करना जो है वो आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए। अगर आप वेट नहीं कर सकते किसी काम का तो आप सफल होने के चांसेस गवा दोगे। कारण ये है कि अगर आप में वेट करने की ताकत नहीं है, इंतज़ार करने की ताकत नहीं है, तो आप टाइम आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। तो वेट करना, इंतज़ार करना उस टाइम में अपने आप में जो है एक बहुत पॉजिटिव इफेक्ट है और बेस है, नियम है डिसिप्लिन को कायम रखने का, डिसिप्लिन को बनाने का। तो इससे ही मिलता जुलता जो चौथा स्टेप है वो है टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या है? टॉलरेंस होता है सहनशीलता। आपने टाइम भी ले लिया, ग्रैब करने की भी सोच ली, वेट भी कर लिया, अगर आप में टॉलरेंस नहीं है तो आप वेट कैसे कर पाओगे? तो टॉलरेंस की अपनी इम्पोर्टेंस है, टॉलरेंस की अपनी जगह है एक डिसिप्लिन को क्रिएट करने की। तो आप टॉलरेंस रखना होगा आपको, अगर आपने वो चीज़ ग्रैब करनी है, डिसिप्लिन को अपने अंदर ढालना है, डिसिप्लिन को कायम रखना है, कोई इवेंट दी गई, काम दिया गया, उसको पूरा करना है। तो पांचवे की बात करते हैं। पांचवा रूल डिसिप्लिन का क्या कहता है कि आपको आई ऑन गोल रखना होगा, आपकी आंख हमेशा गोल के ऊपर होनी चाहिए, डिसिप्लिन अपने आप फॉलो होगा, डिसिप्लिन के रूल अपने आप फॉलो होंगे। अगर आप गोल से भटक जाते हो तो कभी भी आप डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर पाओगे, मीन्स कि आप गोल अचीव नहीं कर पाओगे। तो पांचवा जो रूल है वो आई एन गोल है कि आपने अपनी आँख है, जैसे अर्जुन ने अपनी आँख मछली के ऊपर नहीं रखी, मछली की आँख के ऊपर रखी, वैसे ही गोल को, गोल पर अगर हमारी आँख होगी तो डिसिप्लिन फॉलो होगा, कोई भी बाहर की चीज़ हमें इंटरप्ट नहीं कर पाएगी। छठे की बात कर लेते हैं। अगर मान लो आप में गोल पर नज़र रखने की काबिलियत भी आ गई, टॉलरेंस भी आ गई, ठीक है जी, लेकिन अगर आपका एटीट्यूड जो है
वो अच्छा नहीं है। गोल के प्रति, काम के प्रति, दिए गए इवेंट्स के प्रति अगर आपका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव नहीं है तो भी ये संभव नहीं हो सकता। तो ये जो स्टेप है एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो हमेशा बना करके रखना होगा अगर काम को करना है, डिसिप्लिन को क्रिएट करना है। सातवें की बात कर लेते हैं। आपको कोई भी जब आप काम करते हो तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हैं आपको इंटरप्ट करने के लिए इधर उधर से आनी शुरू हो जाती हैं। आपने देखा होगा, एक्सपीरियंस भी किया होगा, कोई भी काम अच्छा आप करने जा रहे हो तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इधर उधर से घेर लेती हैं, आपको इंटरप्ट करने की कोशिश करती हैं कि आप वो काम ना कर पाए। तो ये डिसिप्लिन का ये रूल है कि आपको उनको अवॉइड करके चलना है, उन पर ध्यान नहीं देना है, तभी ये डिसिप्लिन जो है अपनी नींव बनाएगा, नींव कायम रखेगा, आप अपना काम पूरा कर सकोगे। तो अवॉइड इंटरप्शंस सातवां पॉइंट है जो आपको हमेशा अपने ध्यान में रखना है, तो तभी डिसिप्लिन जो है वो कायम हो सकेगा। और यही रूल है डिसिप्लिन का सातवां, अवॉइड इंटरप्शंस। आठवें की बात कर लेते हैं। जब आप अपना गोल अचीव कर लेते हो, मान लो जो भी आपको गोल दिया गया है अचीव कर लेते हो, तो आप में खुशी की प्रबल भावना प्रकट होनी चाहिए। अगर आप अपने अचीव किए हुए गोल के बाद खुश नहीं होते हो, अपने आप को एंजॉय नहीं करवाते हो, रिफ्रेश नहीं कर पाते हो, तो वो डिसिप्लिन नहीं, वो फोर्स डिसिप्लिन होगा, ज़बरदस्ती थोपा हुआ डिसिप्लिन होगा। आपने सिर्फ गोल ही अचीव करना था, उसके बाद आपका काम ख़त्म। अगर नेक्स्ट कोई भी काम आपने कंटिन्यूसली ऐसे ही करना है, डिसिप्लिन के साथ करना है, डिसिप्लिन को कायम रखना है, डिसिप्लिन को बनाना है, तो आपको उसका हैप्पीनेस यानी कि मज़ा लेना होगा उस गोल का जो आपने अचीव किया है। ये आठवां स्टेप है। नाइन्थ स्टेप की बात कर लेते हैं। जो बेस है हमारे डिसिप्लिन को क्रिएट करने में, डिसिप्लिन को बनाने के लिए, वो है हैबिट। आपने कोई भी काम कर लिया, खुशी भी मना ली, टॉलरेंस भी रख ली, वेट भी कर लिया, सारे काम कर लिए, अगर आप उसको अपनी हैबिट नहीं बनाते हो, बहुत सारे काम हैबिट ना होने की वजह से रह जाते हैं। आप स्टूडेंट्स की बात कर लो, उनमें स्टडी हैबिट्स नहीं होती हैं। एग्ज़ाम के दौरान पढ़ लेंगे, बाद में छोड़ देंगे और कहेंगे कि एग्ज़ाम के दौरान देखा जाएगा, एग्ज़ाम जब आएंगे तो देखा जाएगा। हमारी सभी दौड़ जो है पेरेंट्स की इसी तरफ लगी रहती है कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं। तो आप खुद सोच के देखिए कि आपने अपने बच्चों की स्टडी हैबिट्स बनाई हैं या नहीं बनाई हुई। अगर आपने हैबिट बनाई हुई है तो जैसे भूख लगती है टाइम पे, प्यास लगती है, टीवी देखने का मन करता है, मोबाइल के ऊपर गेम्स खेलने का आपका मन करता है बच्चे का, तो क्या उसका पढ़ने को दिल क्यों नहीं करता, उसकी हैबिट क्यों नहीं बनी। तो अगर आपने डिसिप्लिन को कायम रखना है, डिसिप्लिन को ऑब्जेक्टिव बनाना है, तो आपको हमेशा उस बात के लिए तैयार रहना होगा कि आपकी हैबिट जो है वो लगातार बन पाए। आपने बेशक अचीव गोल कर भी लिया है, तब उसके बाद भी आपकी हैबिट बनी रहनी चाहिए। द लास्ट जो है हमारा पॉइंट, उसकी बात कर लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन कोशिश मेरी यही है कि 10-15 मिनट में आपको सभी बातें डिसिप्लिन के ऊपर बता दूँ। उसके बाद फिर हमने एजुकेशन के साथ रिलेट करके भी इसको नेक्स्ट वीडियो में देखना है। तो चलो 10th की बात कर लें, 10वीं की बात कर लेते हैं कि आपने जब भी सारे काम कर लिए हैं तो आपने आपको रिवाइव करना है कि जो भी मैंने फॉलो किए हैं नियम, जो काम मैं कर रहा था, जो मैंने काम किया, जो भी मेरे इस काम में काम आने वाली चीज़ें थी, क्या मैंने पूरी की पूरी फॉलो की हैं, उन सभी की सभी चीज़ों को एक्नॉलेज किया कि जो मैंने चीज़ें की हैं उनको मेरे दिमाग में वो चीज़ सारी चीज़ें हैं कि कैसे मैंने उसको डिसिप्लिन में ढाला, डिसिप्लिन एज ए डिसिप्लिन उसको काउंट किया। तो अगर जी आप छोटी छोटी बातें याद रखते हो, सभी बातें याद रखते हो जो आपने एक टास्क दिया हुआ उसको पूरा करने के लिए की हैं, तो मैं आपको गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ कि आप कभी भी जीवन में असफल नहीं होगे। इस अगर आप स्टेप बाय स्टेप इनको फॉलो करते हो, डिसिप्लिन को फॉलो करते हो इन स्टेप्स के थ्रू, तो आप ज़िंदगी में कभी भी नाकामयाब नहीं हो पाओगे। तो थैंक यू दोस्तों, यही तक टॉपिक था आज मेरा कि डिसिप्लिन क्या है। डिसिप्लिन एग्जांपल्स के थ्रू मैंने आपको बताया, उसके बाद में रूल हैं 10 इसके, वो मैंने आपको बताए। इसके बाद भी बहुत सारे रूल और हो सकते हैं, क्योंकि अपना अपना जो दिमाग है अपने तरीके से काम करता है,
तो मैंने जैसे शुरू में आपको बताया था कि मैंने जो 99 में फॉलो किया था उनको, आज भी मुझे याद थे, मैंने इसको रिकॉल किया, एक स्टेप बाय स्टेप उनको लिख करके आपको बताया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने एक बहुत पुरानी जो मेरी चीज़ थी, नॉलेज थी, मैंने इसको आपके साथ शेयर किया। तो नॉलेज शेयर करने से बांटती है, आप भी शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मेरे आने वाले वीडियो की मिल सके। तो आई थिंक के साथ मैं आज का टॉपिक यहीं समाप्त करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।